हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या खुराना व्लॉग्स। हम लोग आए हैं मुंबई जू बीच। हम लोगों ने यहाँ इन्जॉय कर लिया है, अब हमें लगी है भूख क्योंकि हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया है। हम लोग ना गाइस सुबह मॉर्निंग में ना हमारी 4:30 ट्रेन आई है और यहाँ पे मुंबई में इतनी बारिश थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो हमें इतनी मुश्किल से जाके रूम मिला और वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली। और वहाँ पर ना आस पास ना कोई टी स्टॉल है, कुछ भी नहीं है। सो अब हमें तभी इतनी ज़्यादा आए हैं, अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। जू बीच के ना साइड में ही 1-2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी स्टॉल्स हैं। देखो, आप देख सकते हो पूरी फूड कोर्ट मार्केट बनी हुई है ये, और यहाँ पे डोसा, वड़ा सब कुछ है, यहाँ पे आप लोग खा सकते हो। और जैसे कि हमने देखो वड़ा सांभर लिया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और डोसा भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है यहाँ पे, मतलब। और हमने शेक्स वगैरह भी ट्राई किए थे, वो भी बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग यहाँ पर आए तो ज़रूर खाएँ, बहुत अच्छा है। बस ये थोड़ा ना ये कॉस्टली है क्योंकि एकदम साइड में ही है, बट हाँ वर्थ है कि हम बहुत टेस्ट है, अच्छा है काफ़ी। हम लोग यहीं पे हैं जू बीच में, अभी हमने कुछ खाया पिया, अब हम जाएंगे और देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। थोड़ा हम जा रहे हैं बैंटन बीच। मेरी ना यहाँ पे फ्रेंड्स आ गई थी, मतलब मेरी कॉलेज फ्रेंड्स हैं ये, तो ये लोग यहीं पर शिफ्ट हो गए हैं मुंबई में, सो ये लोग हमारे पास आ गए थे मिलने और इन्होंने हमें घुमाया। मिलवाती हूँ अलीशा से, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। हाय अलीशा। सब हैरान होने वाले हैं। ये अलीशा की सिस्टर। हम लोगों ने ना बैंड्रा बीच में एंट्री ले ली है। एंट्री से पहले ना जैसे मतलब ये पार्क गार्डन से बना हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छी अच्छी पिक्स ले सकते हो, रील्स बना सकते हो, तो आप लोग भी जाओ यहाँ पे और बहुत ज़्यादा इंजॉय करो।
आप लोग मुंबई जब भी आओ तो बांद्रा बीच ज़रूर आना, और ये 5 PM क्लोज़ हो जाता है, और आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करने यहाँ पे आ सकते हैं। अब आप लोग यहाँ से, वही अच्छा होगा अगर आप लोगों के पास अपना व्हीकल है देन इट्स गुड, अगर आप लोग बाय ट्रेन आए हैं या बाय एयर आए हैं सो आप लोग यहाँ से क्या करें, टैक्सी और ऑटो के उससे ना हुए हम लोगों ने भी ना बहुत पैसे वेस्ट करे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेयर ले लेते हैं हम लोगों से। सो इसलिए आप लोग बस से ट्रैवल करो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। बस से जो है सिर्फ 10 रुपीज़ लगते हैं, वो आपको स्टेशन तक छोड़ देंगे या जहाँ पे भी आपको स्टॉप जाना है वहाँ तक। मुंबई अगर आप लोग आ रहे हो देन मस्ट की ना, हमें भी किसी ने नहीं बताया था, हम लोग अपना ऑटो से टैक्सी से ही घूम रहे थे, तो उसमें क्या था कि हमें अगर एक स्टॉप तक जाना है देन हम मीटर का ना उनका प्राइस आ जाता था 300-200, बट अगर आप मेरे भी फ्रेंड्स आए तो उन्होंने हमें बताया, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, अगर आपको मुंबई में घूमना है तो आप लोकल ट्रेन में और बस में घूमें, लोकल ट्रेन और बस सबसे ज़्यादा बेस्ट है ट्रैवल के लिए यहाँ पे। लोकल ट्रेन से क्या है कि आप लोगों का उसमें भी सिर्फ 20-30 रुपीस होगा सली, और उसमें आप इजीली जा सकते हो और ना कोई ट्रैफिक ना कुछ, उसके बाद आप अपनी बस ले सकते हो, बट हाँ अगर थोड़ा पास है तो आप ऑटो से भी जा सकते हैं, देन ऑटो से 50-100 तो कम्फर्ट है, बट अगर आप वैसे ट्रैवल कर रहे हो जैसे कि बांद्रा बीच से जू बीच तक अगर आपको जाना है देन आपसे टैक्सी वाला इजीली आराम से 1000 रुपीज़ तक ले लेगा, बट अगर आप ट्रेन से जाओगे तो आप वही वहाँ तक आप 200 रुपीज़ में पहुँच सकते हो। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया, हम बस से उतर चुके हैं, अब यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस ही है तब हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया। क्या सो हम लोग पहुंच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया, देख सकते हो आप यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है। सो ओके गाइस, हम ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करो और सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को, एंड आप लोग भी मुंबई जल्दी जल्दी जाओ घूमने और इंजॉय करो।